धन शक्ति प्राचीन संस्कृति धरोहर और ये इसकी एंट्री। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम हैं मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क, जो कि है सोलन डिस्ट्रिक्ट में और चंडीगढ़ से करीब ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है, सोलन के आउटस्कर्ट में। और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत एक कह लो मंदिर, म्यूज़ियम और एक मतलब सनातन धर्म कितना महान है, कितना बड़ा है, वो यहाँ के मंदिर के मूर्तियाँ देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है। और बहुत ही सुंदर और कितना ब्यूटीफुल प्लेस पे ये बनाया हुआ है। इसके आसपास की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। मैं दिखाता हूँ, पहले ये पार्किंग है मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क की, जो कि बहुत ही बड़ी है। पार्किंग की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसकी एंट्री फीस 20 रुपीज़ है। और यहाँ से मंदिर आपको पैदल चल के ही जाना है। तो हम अंदर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है और कितने खूबसूरत है। यहाँ पे जो ये म्यूज़िक चल रहा है, ये इसका है, ये म्यूज़िक ऐड नहीं किया हुआ। ये देखो कितना खूबसूरत। और ये इसकी बहुत ही खूबसूरत प्लीजेंट सी एंट्री, कितनी शानदार, मतलब साइडों में फूल। और मंदिर देखो कितना प्यारा मंदिर जो दिख रहा है यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक। इतना सुंदर शायद ही कोई इंडिया में मंदिर होएगा, पर ये फेमस, ये बहुत ही और प्लीजेंट मंदिर। और ये देखो ये मूर्तियाँ जो बनाई हुई हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये रियल में है। और ये किसान, ये शिव जी की मूर्ति, मतलब बहुत ही प्यारा और यूनिक मंदिर। ये देखो अंदर हाथी, हिरन, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं बड़े बड़े स्कल्पचर से। और बहुत ही प्यारा, मतलब इससे सुंदर शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। और ये मंदिर के सामने बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस, और ये मंदिर की एंट्री है। और सामने का व्यू देखो कितना ही प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है पूरी स्नो से कवर्ड हो, पर वो बदल है। और ये इसकी एंट्री, बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ ऊपर, ये सूर्य भगवान की मूर्ति बहुत ही प्यारा वो बनाया हुआ। हालांकि कैमरा जो है अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही इसका व्यू दिखा रहा हूँ। ये अंदर पार्क में मंदिर के सराउंडिंग,
ये मूर्तियाँ पार्क में अलग अलग जानवर जैसे ये गेंडा, वो हिरन, ये घोड़ा और हिरन, ये भी हिरन, ये वाइट, मतलब अलग अलग तरह के, और वो हाथी, अलग अलग जानवर बनाए हुए हैं। बहुत फेमस चीज़ है यहाँ पे मंदिर के जो संगमरमर में ये पेड़ तराशे हुए हैं, जैसे ये बरगद का ट्री, ये आम का, मैंगो ट्री, पीपल, परिजात, काला पत्रू, और ये कदम, ये अलग अलग पेड़ हैं जिनके हिंदू धर्म में अलग ही मानता है। ये रुद्राक्ष, अशोक, येलो सैंडल यानी चंदन, पदम, गुलर, और ये बेल का पेड़, तो ये इनकी अलग ही हिंदू धर्म में मान्यता है। अश्विनी कुमार, ये पंजाबी ब्राह्मण, तमिल ब्राह्मण, उद्या पंडित, इसी तरह मंदिर के परिसर में ये देवता जो है ऋतुराज, वसंत, बंगला ब्राह्मण, इंद्रदेव और अश्विनी कुमार, ये मतलब अलग अलग बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई हुई हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो अभी हम हैं मोहन हेरिटेज पार्क, जो कि है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, और ये चंडीगढ़ से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। जो शिमला वाला हाईवे है वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर अंदर आके सोलन के आउटस्कर्ट में, और यहाँ जब आएंगे तो ये इतना खूबसूरत मंदिर, बाहर की तो मैं आपको वीडियो और दिखा रहा हूँ फ़ोटो में कैसा दिखता है, पर जो अंदर की मूर्तियाँ हैं वो इतनी खूबसूरत हैं और इतना अच्छा मतलब अंदर से बनाया हुआ है। एक एक मूर्तियाँ मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे आपके साथ आई कॉन्टैक्ट हो रहा हो, कुछ कहना चाह रही हूँ मूर्तियाँ। और हर एक की दक्ष माता, सती माता, चंडमुंद वध, महिषासुर वध, मतलब हर एक की एक स्टोरी उसमें बड़े बड़े संगमरमरों में तराशी हुई है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सूर्यदेव का रथ और उसके साइडों में ये दुर्गा माता की उत्पत्ति कैसे हुई और विंध्याचल माता की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी पूरी एक स्टोरी मार्बल में ही तराशी हुई है। और नीचे ये पेड़ दिखाए हुए हैं और ये बड़ी बड़ी स्कल्पचर मूर्तियाँ, जो जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है हमारे, जो जो चीज़ें रहती हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई हो। इतना प्यारा मंदिर बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है, और ये आपको यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है और आ सकते हैं आराम से। और बस पार्किंग के चार्जेस 20 रुपये अगर आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं, और कोई ख़र्चा नहीं है यहाँ पे आने का, और बहुत ही प्यारी जगह। इसके अलावा मैं आपको सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ, इसका कितना प्यारा का ये व्यू। ये देखो, ये मार्बल और ग्रीनरी, इतना प्यारा मतलब डिज़ाइन बनाया हुआ है, और साइड में व्यू, और ये पीछे अश्विनी कुड रिवर, और उसमें कैंपिंग वगैरह भी होती है, मतलब बहुत ही यूनिक व्यू। और ऊपर इस साइड चहल है आगे जाके।
पवन शक्ति हेरिटेज पार्क से निकल के यहाँ 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है रीवा वाटरफॉल। तो अब वहाँ जाने लगे हैं। वहाँ का रास्ता मैप में तो दिखाता नहीं, अब हम बताते हैं वहाँ कैसे जाना है। ये मोहन हेरिटेज पार्क का जो गेट है मेन रोड से, वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। ये मोहन हेरिटेज पार्क, और यहाँ से आपको सीधा जाना है। अब आगे बताते हैं। वहाँ से करीब 1 किलोमीटर आने के बाद ये ब्रिज, और ब्रिज से आपको ये राइट रास्ता लेना है। वहाँ से आगे आके दूसरा पुल आएगा, यहीं पे गाड़ियाँ लगनी हैं, और यहीं से आगे रास्ता जा रहा है। आगे देखते हैं, ये पीछे पुल है और यहाँ से ये रास्ता। ये करीब 5 मिनट की हाइक है और शायद हम पहुंच गए हैं।